रहीम, आप लोगों का बड़ा बड़ा शुक्रिया कि आप आए। आज इकोनॉमिक सर्वे जो है वो ऑब्वियसली जारी होने जा रहा है, उसका साथ करेंगे जारी, लेकिन हम तो उसके आदाब जो हैं वो मालूम हैं, वो पहले चल भी चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर कम नहीं होगी जो आज इकोनॉमिक सर्वे जो पेश करेंगे। तकरीबन चार साल पहले जब पीटीआई की हुकूमत ने ये मनसब संभाला था, तो उससे पहले भी कई दहाइयों में जो स्ट्रक्चर फ्लॉज थे इस इकॉनमी में, जो कमियां थी, वो सबको मालूम है। टैक्स टू जीडीपी जो है वो कभी 9% से लेके 12% के दरमियान घूमता फिरता, हमारा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के दरमियान जो है फासला बढ़ते ही जा रहा था, एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, उसकी ग्रोथ जो है उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं थी और पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो हम फूड सरप्लस मुल्क से फूड डेफिसिट मुल्क पर चले गए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो भी बहुत अनइवन, कभी पॉजिटिव होती थी, कभी नेगेटिव होती थी, फिर कभी भी 4-5% से ज़्यादा नहीं। हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो ज़ाहिर है उस पर कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ था और लॉसेस कर रहे थे, और हमारे पास पहले तो एनर्जी क्राइसिस था, फिर पिछली हुकूमत ने एनर्जी के इतने कारखाने लगा दिए और इतने महंगे लगा दिए और इम्पोर्टेड फ्यूल भी लगा, कोयला, एलएनजी, फर्नेस ऑयल, और उसके बाद जो मुआहदे जिस तरीके से किए गए उनको गारंटी डॉलर बेस उनको रिटर्न दे दिया गया, ताकि हमारा जो है जो कैपेसिटी पेमेंट हमने जो 2018 में इन्होंने की वो 450 अरब रुपए की थी, और जो यह साल गुजरा है इसमें 850 अरब रुपये, और वो बढ़ती जा रही। तो पीटीआई हुकूमत ने पहले उसको इकॉनमी को स्टेबलाइज किया, बिकॉज करंट अकाउंट डेफिसिट 19.2 बिलियन डॉलर का था, फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा था, और एक किस्म से अगर उस पर पूरी तरह एक्शन ना लिया जाता तो मुल्क जो था वो डिफॉल्ट की तरफ जाता। तो पहले तो IMF के पास हमें जाना पड़ा, मैं मजबूरी थी, बिकॉज अगर इमरान खान ने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन उनको उनके पास चॉइस ही नहीं, पहले उन्होंने जाके अपने दोस्त ममालिक से कुछ पैसे लेने की कोशिश की, ये भी उनके लिए तकलीफ देता क्योंकि बड़े खुददार आदमी, लेकिन जाना पड़ा। फिर IMF के पास, और उनको आपको मालूम है IMF के पास जाएँ तो कड़वी गोली देते हैं आप, वो एक साल हमने उसको स्टेबलाइज किया और फिर कोविड हो गया, और जिस तरीके से कोविड में इस हुकूमत ने इस मुल्क को निकाला है और वो टॉप 3-4 मुल्कों में इनका शुमार होता है, ना सिर्फ कोविड में निकाला और वो जो फर्टिलिटीज थी वो कम से कम हुई, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर भी जोर देते हैं, और 2021-22 में 2021 में जो रिजल्ट्स आए 19-20 जो था उसमें नेगेटिव जो है ग्रोथ हुई 1%, लेकिन 2020-21 के बीच में आप बिल्कुल लोग परेशान हो गए, क्योंकि तो लोगों को ख्याल था IMF का सबका 1-1.5% ग्रोथ हुई, और वो ग्रोथ जो है 5.74%, तो वो तो परेशानी थी लोगों को के लिए, क्या हुआ उस वक्त इमरान खान साहब का एक विजन था, और विजन क्या था कि इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर एवरीवन, सब के लिए ग्रोथ, ये नहीं है कि सिर्फ चंद लोगों के लिए ग्रोथ और फिर ट्रिकल डाउन जाए जो गरीब लोग, उन्होंने कहा नहीं सब के लिए हम ग्रोथ करें, और वो जो है पॉलिसी उन्होंने पिछले 2 साल में इसके ऊपर काम किया, और मुझे इस चीज़ का बड़ा खुशी हो रही है कि इस वक्त अगर आप देखें तो हमारी GDP ग्रोथ जो है वो जो इस जो साल गुजर रहा है इसमें
खुद इन्होंने एडमिट किया, ये इनके नंबर्स हैं, फॉर्म्स हमारी है लेकिन नंबर्स पे इन्होंने साइन किया, इनकी मिनिस्ट्रीज ने साइन किया, इनके मिनिस्टर ने साइन किया, वो है 5.97%, 6% की ग्रोथ। 6% की ग्रोथ ये नहीं है कि कोई एक सेक्टर है उसमें ग्रोथ होगी, जो टारगेट हमने एग्रीकल्चर में दिया था उसको एक्सीड किया, 4.4% एग्रीकल्चर की ग्रोथ, सारी क्रॉप सवाए ये कि गंदम थोड़ी कम हुई, सारी क्रॉप बफर, और जो हमारी किसान बरादरी है उसमें पैसे गए, वहाँ उस सेक्टर में पैसे गए, खुशहाली हुई वहाँ। उसके बाद इंडस्ट्री की बात हो, इंडस्ट्री में अनइवन ग्रोथ हुआ करती थी, लेकिन इन दो सालों में इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो 7% प्लस हुई, और पिछले साल में 7.2% ग्रोथ हुई, लेकिन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बीच में 10.4% ग्रोथ हुई, और मार्च के सिर महीने में, इसका मतलब है ये ग्रोथ अभी बढ़ना ही शुरू हो रही थी, मार्च के महीने में ये 27% ग्रोथ एक महीने, तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, जब इंडस्ट्री ग्रो करती है तो आपका मजदूर जो है खुशहाल होता है, आपका तरक्की जो है वो ज़्यादा होती है, मुल्क की तरक्की होती है। उसके बाद सर्विसेज सेक्टर 6.2%, उसमें इसका मतलब है आपका बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बाकी जो सर्विसेज सेक्टर के बीच में टेलीफोन कंपनीज हैं वगैरह, वो ग्रो करें, तो अक्रॉस द बोर्ड ग्रोथ हुई। और ये जो है ये पहली दफ़ा था 2004 और 5 के बाद कि ग्रोथ जो है वो दो कंसेक्यूटिव सालों में 5.5% से ज़्यादा ग्रोथ हुई, और आपको ये भी मालूम होगा इन दो सालों में हम हिंदुस्तान से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया हमने, अब पहले हमेशा हमसे पीछे रहा करते थे, अब उसके बाद आप चलें कि जो हमारे एरियाज थे जिसके बीच में मैंने कहा कि ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर हमें बहुत काम करना था, रेवेन्यूज की मैं बात करता हूँ, रेवेन्यू की ग्रोथ क्या है, 29% ग्रोथ हुई है। मुझे याद है कि जब हम लोग ने, मैंने पिछले साल का बजट दिया 5.8 trillion, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा ये बैग गए, ये कोई 5.2-5.3 से ज़्यादा कर ही नहीं सकेंगे, 6.1 trillion हमने किया और इन्हें रिकगनाइज किया अभी, और 300 अरब मैंने पेट्रोल की मद में माफ़ किया, अगर वो मैं ले लेता तो 6.4% हम लोग करते, ये कभी हिस्ट्री पाकिस्तान में नहीं हुआ, एक साल में इतनी हमने रेवेन्यू ज़्यादा, और अब हम प्रोग्राम जो डाले हुए थे, और हमारा टारगेट था इस साल का 22-23 का 8 trillion, ये तो बैग गए हैं, ये तो बजट अनाउंस करेंगे तो पता चलेगा बैग करें, सवाल ही पैदा नहीं करना, 8 trillion करना हमने करना था। उसके बाद आप देखें एक्सपोर्ट्स 32 billion पे जाएंगे, कभी भी 25 billion से 24.5 billion से ज़्यादा नहीं। उसके बाद रेमिटेंसेस जो है रिकॉर्ड है, 19.5 billion ये छोड़ के गए थे, इस दफ़ा $31 billion होंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट अभी भी ये 5.8% छोड़ के गए थे, हमारा होगा 3.8%, और वो इसलिए होगा कि ये दुनिया की जो महंगाई है उससे हमारे तेल की जो है उसमें $9.5 billion बढ़ा है, उसमें वैक्सीन 3 billion की आई हैं, 1 billion खुर्दनी तेल बढ़ा है, 1 billion कोयला बढ़ा है, वो अगर 13 billion हटा दिया जाए तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 800 million का रह जाता। अब आप देखें इनके फिस्कल डेफिसिट की ये बात करते हैं, हम जो 9 महीने में हम छोड़ के गए तो हम 3.8% फिस्कल डेफिसिट छोड़ के गए हैं, अब ये उसका क्या बनाते हैं अगले 3 महीने में, क्योंकि ये तो शाखर्च है, ये कहते हैं कि हमारे पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन खर्ची शाखर्ची की बस है, पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारा जो है वो 1800 डॉलर है, और जो और ये कहते थे $1100-1200 से ऊपर नहीं जाएगा, और एक्स्ट्रा और जो डेट है उसमें बड़ी बात करते हैं कि 20 trillion उन्होंने बढ़ा दिया वगैरह, अरे 20 तो नहीं है, 18 trillion है, लेकिन इकोनॉमी 72% बढ़ गई है,
तुम्हारा डेट टू जीडीपी जो है वो 64% है, आपका भी 64% था। तो हमने हर इंडिकेटर जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उसमें हमारी हमारी तरफ से अच्छाई हुई है। और अगर आप उसमें रिफंड देख रहे हैं टैक्स के, पिछले साल 155 बिलियन थे, हम 325 से 350 अरब के हमारे टैक्स रिफंड। तो अब अगर हम इसको देखें कि जनाब ये तो हमने हमारी जो परफॉर्मेंस है ये सबके सामने है, ये बिल्कुल ऑल अक्रॉस रेटिंग परफॉर्मेंस है कि जब से ये आए हैं तो क्या किया है इन्होंने, और इन्होंने हमें कहा करते थे महंगाई महंगाई महंगाई, इसकी वजह से ये जो हुकूमत है इनको तो कुछ काम करना आता नहीं, ये तो नालायक है। तो जनाब ये आ गए ना लायक, इन्होंने रिजीम चेंज करवाई जो भी कंस्पिरेसी की और जैसे भी की, और खुद आ गए। तो जनाब वाले जैसे ही आए एक्सचेंज रेट जो 178 पे खड़ा था वो आज 202 पे है। उसके बाद इन्होंने आते ही पेट्रोल पंप मारना शुरू किया, डीजल का पंप मारना शुरू किया, और एक ही 3-4 दिनों में इन्होंने 60 रुपए जो है वो पर लीटर बढ़ाया है। हमने पूरे 3-3.5 साल में 55-58 रुपए बढ़ाया। तो हमें तो एकदम शोर मचा देते थे, ये क्या हुआ जनाब। फिर इलेक्ट्रिसिटी पे इन्होंने बढ़ा दिए 7.5 रुपए, उसके 47% बढ़ा दिया है। मुझे IMF कहता था कि पूरा आप 4.95 रुपीज़ बढ़ाएं, मैं नहीं माना था, मैंने 2.25 रुपए बढ़ाया था पहले, और इस दफा मैंने कहा जुलाई में मैं 2.5 रुपए और बढ़ाऊंगा। तो तकरीबन वही तकरीबन 4.25 रुपए इन्होंने एक ही झटके में 7.5 बढ़ा दिया, लेट के सामने IMF के। IMF ने हमें कभी गैस के बारे में नहीं कहा था, इन्होंने जनाब वाला गैस के ऊपर 45% बढ़ा दिया। और जो उसमें जो मुश्किल बात यह है और जो एक किस्म से मैं कहूँगा बेहिसी है कि जो सबसे निचली वो स्लैब है जो बेचारे 100 यूनिट करते हैं उनकी गैस बिल 75% से बढ़ जाएंगे। और ये अपनी तरफ से थ्योरी मारेंगे कि हम जो गैस वो सबको एक बराबर देंगे, अरे भाई जो ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है वो उसको ज़्यादा महंगा करके दे दो। उसके बाद आप देखें घी की प्राइसेस बढ़ गई, और उसके बाद आटा बढ़ गया। अब ये कहते हैं 980 रुपए का आटा मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है मुझे बताएं ना कहाँ मिल रहा है। और वो यूटिलिटी शोर में मेरे ख्याल में थोड़ा सा देते हैं, बाकी तो अभी रिलीज करना इन्होंने बंद कर दिया। रिजर्व जो है वो 1.5 अरब डॉलर से नीचे गिर गए। उसके बाद अगर आप देखें फॉरेन एक्सचेंज, आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 3,500 पॉइंट से नीचे गिर गई है। मूडीज ने आपको डाउनग्रेड कर दिया, आप हम बड़ी मुश्किल से नेगेटिव B3 से ऊपर गए थे पॉजिटिव में, इन्होंने उठा के उसको नेगेटिव हो गए हैं अभी। और उसके बाद इन्होंने दो और जो चीज़ें हुई हैं मूडीज ने की हैं वो बहुत ही कंसर्न है। पहली चीज यह है वापडा की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया, आउटलुक को नहीं किया डाउनग्रेड कर दिया, इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं है अब। और आपको याद होगा पिछले साल ही वापडा ने $500 मिलियन का अपनी बैलेंस शीट पे डेट रेस किया था डैमों के लिए, और हम और पैसा उससे रेस करना था ये आगे भाषा डैम दासू सबके लिए, क्योंकि पानी हमारी जरूरत है। और आज जब ये खत्म हो जाएगा वो ये डाउनग्रेड, इसका मतलब है वापडा ये पैसे नहीं अरेंज कर सकेगा। और हमारा ये 150 अरब रुपया तो हमने सिर्फ जमीने खरीदने में लगाया था वो जाया हो जाएगा, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। और बैंक्स की रेटिंग भी डाउनग्रेड हो गई है। अगर एक और चीज, इन सारी चीजों से इन्फ्लेशन पे तो इफेक्ट हो गई होगा, अभी तो इन्होंने सिर्फ 30 रुपए वाला जो है वो भी 3 दिन का इन्होंने इफेक्ट किया, और जो इन्फ्लेशन है वो 13.84 पे चली गई है। और जो आपके सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जो पिछले हफ्ते में आई है वो 20% पे है, लेकिन ये 30 रुपए और डाले जो इन्होंने और किया, और ये इलेक्ट्रिसिटी का जुलाई मंथ से आएगा और गैस का आएगा, ये इन्फ्लेशन कोई 25 से 30% पे जाएगी।
ऑलरेडी जो हमारे वक्त में जो हम लोग देते थे, ये जो काइबर होता था वो होता था 7.5-8%, वो अभी ऑलरेडी 15.5 पे चला गया है। और ये आप देखेंगे अगले चंद हफ्तों में ये तकरीबन 20-22% जाएगा। इसका मतलब लोगों को 25% पे जाके कर्जा मिलेगा। जब 25% पे कर्जा मिलेगा तो जो वो आपकी फैक्ट्री है वो चलना बंद हो जाएंगी, हजारों मजदूर जो है बेरोजगार हो जाएंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है 6% पे वो एकदम डाइव करेगी। और इससे जो है आप देखेंगे हमारी जो है जो वेलबींग है, जो हम 2 साल में उसके ऊपर लेके जा रहे थे, उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसके आने इनके आने से एक और चीज़ हो गई, और बड़ा कहा करते थे कि हम तो बड़े कारखाने लगा रहे, लोड शेडिंग हमारे पे ब्लेम करते हैं कि फ्यूल उन्होंने लिया। अरे भाई तुम्हें तो 2-3 महीने हो गए ना, तो ये तो 15-20 दिन में आ जाता फ्यूल, क्योंकि ये इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर कारखाने हैं। तो अब ये इनके ये अपना ही जो इनके जो जो है कारकर्दगी थी वो इनके गले का हड्डी बन गई। कोयला महंगा हो गया, LNG महंगी हो गई है, अब इनको समझ नहीं लग रही उसका क्या करें। 7.5-8 हजार मेगावाट लोड शेडिंग हो रही है रोज की, ये कह रहे हैं 4 हजार हो रही है। तो आप देखें लोड शेडिंग हो रही है और गर्मी की शिद्दत है, ये इनका सबसे बड़ी चीज है। उसके बाद आप अगर देखेंगे RDA जो है वो बड़ा अच्छा जा रहा था। मार्च के RDA का नंबर है $290 मिलियन अंदर आया, पिछले महीने में वो $90 मिलियन में चला गया। इसका मतलब है कि लोगों ने पैसे डालना बंद कर दिए हैं, लोगों ने उनके ऊपर कोई बात नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या वजह थी कि हमें चेंज कर दिया। ये तो कह रहे थे कि माशी जो तरक्की नहीं हो रही थी, अब तो इनके अपने नंबर बता रहे हैं कि माशी तरक्की हो रही। तो ये तो जो किया गया है तो ये कोई और मकसद था जिसकी वजह से हमें चेंज कर दिया। मईशत की वजह नहीं थी। मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि ये बजट में क्या कहेंगे कि उसके बाद भी हम शैडो बजट में, लेकिन आज मैं इतना ही कहूँगा कि जो इनके अपने नंबर्स बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि PTI ने एक किस्म से शानदार मुआशी तरक्की करके दिखाई 2 सालों में, और एक मतलब कोविड के दरमियान में भी ये जो हम लोगों ने उसको मैनेज किया बेहतरीन था। और उसके बाद तो ये आप क्या कहते हैं? देखें जी, ये तो मैं कितनी दफा समझा चुका हूँ, ये जो बात करते हैं 6 ट्रांच के बाद, इसके बाद बिल्कुल ये था कि हमने 4 रुपये हर महीने बढ़ानी और उसको 30 रुपये तक लेके जाना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि आपने उसके ऊपर मुआवजे से पीछे हटे, नहीं हटे यार। हमने जब फरवरी में 28 तारीख को हमने कहा कि हम लोगों पर ये ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे, तो हमने और जगहों से कटौती करके 466 अरब रुपया ये साइड पर रखा। और हमने कहा ये 4 महीने जो हैं हम किससे गुजारा करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे कि हम रूस के साथ हमने अपने रवाबत शुरू कर दिए थे, हम उनसे सस्ता तेल लेते क्योंकि इमरान खान साहब उनसे बात करके आ गए थे। और उसके बाद हम 3-4 महीने के बाद हमने सब्सिडी को टारगेटेड कर देना था, हमने मोटरसाइकिल्स का छोटी गाड़ियों तक लेके चले जाना था। ये लैंड क्रूजर वगैरह जो चला रहे हैं हम कह रहे उसको हमने नहीं देनी, लेकिन फरवरी के एंड में हमारे पास टाइम नहीं था। हम कह रहे थे कि अगर इस पर लगे रहते तो 2 महीने तो इसी पे लग जाएंगे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो वो हमारे पास पूरा का पूरा एक प्लान था, और उस प्लान के तहत हमने जो 466, अब ये कह रहे हैं कि 466 तो हमें नज़र नहीं आ रहे। मैंने इनको पूरा बताया कि ये कहाँ कहाँ से आने को चले थे, इनको नज़र नहीं आ रहे। और ये समझ रहे थे कि जनाब IMF के साथ हमें ज़रूर करना है ये वायदा, और ये पैसे हम नज़र नहीं आ रहे। लेकिन उसके बीच में 100 अरब रुपया तो PSDB के बीच में से कटौती थी, हम 700 अरब रुपये की जगह हम उसको 600 अरब, वो तो पड़ा था, वो तो पहले महीने की सब्सिडी उसमें से चली जाती, तो कर देते तुम अगर इंक्रीज, क्योंकि तुम्हें तो आज भी आम आदमी का कोई वो नहीं है, पासदारी नहीं है। आप 60-60 रुपये बढ़ा रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा रहे हो, गैस बढ़ा रहे हो,
तो अगर आप उन्हीं की गोदी गोद में जाकर बैठना है आपने और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो 100 अरब रुपया आपके पास पड़ा था, उसके बाद आप जाके मिडल ऑफ जिसको आप कहते हैं मिडल ऑफ मे में बढ़ा देते, क्यों नहीं बढ़ाया आपने? तो ये देखे ना, इनके पास और इनको इनके पास छुपने की जगह नहीं है। इनको पूछा जाए तो रूस क्यों नहीं जा रहे यार, क्योंकि ये बताने से कासर है कि हम डरते हैं अमरीका से। और फिर रिफाइनरीज के ऊपर रिफाइनरीज ने अपने अपने प्रॉफिट बढ़ा दिए, उनको इनको वो भी समझ आई। तो बात सिर्फ इतनी है, हमारे पास प्लान था, हमने आवाम पे बोझ नहीं डालना था। आज भी हम होते तो आज की डेट में अगर आप 30 रुपए की जो सब्सिडी और जो है PDF और अगर आप 17% होता तो ये 200-250 से वैसे जाता ऊपर। लेकिन हमने नहीं करना था, हमने सस्ता पेट्रोल लेना था अपने रूस से, हमने टारगेटेड सब्सिडी करनी थी लोगों के लिए, हमने ये मार्जिन्स कम करने थे। तो हम जो है हमारे पास प्लान था, इनके पास कोई प्लान नहीं। सर ये बताइएगा कि IMF के कहने पे पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा किया गया, लेकिन अब मजीद मुदाफात IMF के सामने से आ रहे हैं, इसमें पावर प्लांट जो बताइए कि ये उसकी तफसीलात मांगी गई है उस हवाले से, स्पेशली चाइनीज जो पावर प्लांट है। देखिए वो तो मैं जो आप बात करें वो इसलिए होता है कि देखें कि मैं पिछले एक दो में आया और उन्होंने उस वक्त जो है 6 पॉइंट की गुफ्तगू में से शुरू की और कहा था कि तुम 700 अरब रुपए के कंसन उसमें निकाल दो और टैक्स लगा दो और 5 रुपए जो है वो नहीं बढ़ा दो। मेरा जवाब क्या था? मैं नहीं बोल, ये मेरे इंटरेस्ट में नहीं है, मेरे को भी इंटरेस्ट में। और मैंने उसको ऑल्टरनेट मैंने ये नहीं कहा कि मैं देखें हम प्रोग्राम में है, मैं कहा मैं आपको ऑल्टरनेट बताता हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा, टैक्स का बेस ब्रॉडन करूँगा, मैं आपको पैसे इकट्ठे करके दे दूंगा सही तरीके से। और ये जो है ये आप जो बढ़ा देंगे बिजली के रेट, इससे क्या होगा? इससे ये होगा महंगाई होगी, क्योंकि आपकी ये जो चीज़ें हैं इससे जो लोग अपना इंडस्ट्री चलती है वगैरह वो रेट बढ़ा देंगे। और ये पब्लिक सेक्टर जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है इसमें चोरी बढ़ी होगी, आपके लॉसेज ज़्यादा हो जाते हैं। सो यू हैव टू, सो उसके बाद खड़े हो गए, क्या हुआ उसके बाद? हुआ यही कि उन्होंने मेरी बातें जो है आधी तो मान ली, 750 से 350 पे आ गए, उसके बाद वो 225% पे आ गए उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी। उनको अपनी स्पाइन दिखानी पड़ेगी, खड़े होकर कहना पड़ेगा वो भाई ये हमारे मफाद में नहीं है और उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप जाके सीधा सीधा लेट जाओगे और वो कहेंगे वो तो चढ़ते रहेंगे, आपको पता है बैंक जो आप बैंक के पास जाए ना आप उसको वो तो आपके पास हर किस्म की आपके पास वो कंसर्न लगाता है। सो इसलिए दूसरा जो आप आते हैं चाइनीज वगैरह की, देखिए हमारे वक्त में भी तो ऐसे था, वो करते थे हमारे बात, हम उनको कहते थे ये हमारे आप उसमें सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसमें आप इंटरफेयर ना करें। जी एक बात ये कि हमने IPP के रूल्स नेगोशिएट किए जो IMF ने उसको बात की, और दूसरी जो हमारी पार्टी का मौका था कि पिछले पावर प्लांट्स जो है महंगे लगे 30% वही अब सवाल उठे सर जो वो वेबसाइट पे है, वो ढके छुपे नहीं है, हर चीज जो है वेबसाइट पे हमारे उसके साथ वो देखते हैं। वहाँ कोई 270 रुपए की बात शुरू नहीं है, उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया होता है और मैकेनिज्म ये है कि आपने PDL ने झूठा काल में 4-4 रुपए वोटिंग की और बाकी जो कॉस्ट है वो आपने लोगों से लेनी है। मैंने तो आपको उसका हल बता दिया ना कि हम बिल्कुल लेते लेकिन हम जाके सस्ता तेल ले लेते तो और उसके बाद टारगेटेड सब्सिडी करते हैं। अच्छा तो इसलिए पहला वाला आपने कहा कि रूस का, हाँ रूस का यार देखो रूस के हमने उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है आप हमें एक खत लिख दें हम उसके बाद आपसे नेगोशिएशन शुरू करते हैं। हमने उस खत में ये भी कहा था कि अप्रैल में हमें डिलीवरी चाहिए, अब ये कह रहे हैं कि उनसे जवाब नहीं आया। तो मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ प्रेस में कि यार कुआँ प्यासे के पास जाएगा या प्यासा कुएँ के पास जाएगा? आपने क्या किया? आपने कोई बंदा भेजा अपना कोई मिनिस्टर वगैरह उधर जाके कह दिया कि हमने खत भेजा है उसके ऊपर आप बताएं क्या करना है? ये क्यों नहीं कर रहे? इन्होंने CNN के इंटरव्यू में कह दिया कि जी हमें डर है हमारे पे सेंक्शन लग जाएंगे। सेंक्शन किधर से लगेंगे?
वो इंडिया पे नहीं लगी, बांग्लादेश पे नहीं लगी, श्रीलंका पे नहीं लगी, बाकी पे नहीं लगी, हमारे पे क्यों लग जाएगी? ये डरते हैं। जो मिसाल के मईशत की बात की जा रही है उसके ऊपर तमाम लोगों को, तमाम सियासतदानों को इकट्ठा किया जाए और 10 सालों को प्रोग्राम किया जाए और मिसाल के मईशत के बजाय जाए, आप इस सिलसिले में कोई रब्ता हुआ? देखें मैं बताऊं रब्ता क्या होना चाहिए। मैंने तो मिसाल के जमहूरियत की बात की थी 2010 और ये बड़ा ज़रूरी होता है जो हुकूमतें होती हैं उसमें जो पोलिटिकल जो होते हैं इवेंट्स उसको इकोनॉमिक जो है आपकी प्रोग्रेस के ऊपर वो हावी नहीं होना चाहिए। वो आप चंद चीज़ों के ऊपर डील करें, एक पोलिटिकल जो पूरा का पूरा लैंडस्केप है वो करें और उसके ऊपर आप चलें। जिस तरीके से इंडिया में मनमोहन सिंह ने किया था 2011 में, तो दो उनकी तीन उनकी हुकूमतें आती जा चुकी हैं, बीजेपी की भी दूसरी हुकूमत जा चुकी है, लेकिन उन्होंने वो चेंज नहीं किया। हमारा मौका इस वक्त ये है, ये बात बिल्कुल ठीक है करना है, लेकिन अभी वो इसलिए नहीं करना कि जनाब वाला ये तो जो है, ये तो हुकूमत जो है पिछले दरवाजे से आई है और ये हम तो कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन के बीच में हम कहीं नहीं हों, हम हुकूमत में हों या अपोजिशन में हम बैठ के मिसा के जमूरियत करेंगे जो भी होगा। जिस दिन गवर्नमेंट पे गई उसी दिन से हम ये डेटा सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत है वो आपके ऊपर इल्जाम लगा रही है कि जी बेड़ा गर्क करके मैशत के चले गए, लोग सुन सुन के तंग आ गए हैं। मुझे कोई वे आउट बताइएगा कि 3 माह के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं, अबूरी हुकूमत आती है तो हमारी इकोनॉमी ठह सकती है? बिल्कुल ठह सकती है यार, पहले भी तो बिल्कुल इन्होंने जो दे के गए थे हमारी हुकूमत को तो हमने उसको ठीक ही किया था। अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ, अभी यू नो अगर मेरी बात समझना चाहें तो समझ लें, मैं अभी भी बता सकता हूँ कि आप जाएं रशिया से 30% जो नाम डिस्काउंट लें, आपको 40-50 रुपए पर लीटर वहाँ से बचेगा। आप ये रिफाइनरी के मार्जिन उन्होंने 60-70 रुपए पर पी लीटर किए हुए उसको कम करें, उसके बाद तो उससे आपको 20-30 रुपए लीटर बचेगा। उसके बाद टारगेट सब्सिडी करें, तो ये तेल वगैरह वाला तो मैंने आपको समझा दिया, बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है यार। अगर हम बेसिकली हमें ये मालूम है कि इकॉनमी का हमने पहिया चलाना है तो हमने इन्फ्लेशन को पहले नीचे लेके रखना है, और जो मैं इन चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जैसे आपकी इन्फ्लेशन नीचे आएगी आपके इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो इकॉनमी का पहिया चलेगा। और उसके बीच में हमने एग्रेसिव नहीं जा रहे, जो पहले चीज़ें कर रहे थे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे थे, रेवेन्यू को बढ़ा रहे थे, रेमिटेंसेस को बढ़ा रहे थे, ये सारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे थे, हम वही करेंगे जो करते आए हैं जिसके आप रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मैंने इसमें पहले आपको जवाब दे दिया, बिल्कुल बैठ जाएंगे, इंटरव्यू लेके आ जाएंगे।